Hi guys, this is Taukir Alam here. Today we are going to learn about how to use expect, hope, wish and want in perfect tense. Friends, जब had के साथ third form का use होता है, especially इन सभी words का, तो इनका जो sense होता है, वह यह होता है कि गुजरे हुए वक्त में मुझे कोई काम करने की चाहत थी, आरजू थी, तमन्ना थी, उम्मीद थी, बट ऐसा नहीं हुआ, यानी मैं वह नहीं कर सका या वह नहीं हुआ। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब कोई हैड के साथ वर्ब एक्सपेक्ट, होप, विश और वांट का यूज करता है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि वो इंसान कहना चाहता है कि गुजरे हुए वक्त में मुझे कोई काम करने की उम्मीद थी या चाहत थी, आरजू थी, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, बट वो काम नहीं हो सका या मैं वो काम नहीं कर सका। जैसे I had expected to pass IAS, इसका मतलब वो फ्रेंड्स, मैंने IAS पास करने का उम्मीद किया था, बट आई डिड नॉट पास, यानी इसका अंदरूनी मतलब है कि मैं पास नहीं किया, यानी ये काम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जब परफेक्ट टेंस में आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, खासकर इन सभी वर्ड्स को, तो फिर ऐसे वर्ड्स से सेंस होता है कि मुझे कोई काम करने की चाहत थी, आरजू थी, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, बट वो काम हुआ नहीं। आई हैड विश्ड टू बी अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है, मैं एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश किया या चाहत किया, आरजू किया या तमन्ना किया, यानी मैंने एक डॉक्टर बनने की चाहत किया, तमन्ना किया, लेकिन मेरी वो चाहत पूरी नहीं हुई, मेरी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई, यानी मैं एक डॉक्टर नहीं बन सका, चाहत चाहत ही रह गया। फ्रेंड्स, I had hoped to save money, मैं पैसा बचाने की उम्मीद किया था, लेकिन इस सेंटेंस का अंदरूनी सेंस है, मैंने पैसा बचाने का उम्मीद तो किया था, बट मैं पैसा बचा नहीं सका, यानी ये काम हो नहीं सका, उम्मीद उम्मीद ही रह गई। तो फ्रेंड्स, जब आप हैड के साथ एक्सपेक्टेड, होप्ड, विश्ड, वांटेड का यूज करते हैं, तो बातों से पता चलता है कि आपने सभी काम करने की ख्वाहिश तो की थी, आरजू की थी, उम्मीद की थी, चाहत की थी, बट ये काम पूरा नहीं हुआ, चाहत चाहत ही रह गई, ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जब कोई हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी एक्सपेक्टेड, हो, विश्ड और वांटेड का यूज करेगा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है और आप शानदार तरीके से उसको जवाब दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।